हरे कृष्णा। आज बहुत ही पवित्र दिवस है, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस बोलते हैं। तो अभी तक हमें पता नहीं था कि धन का मतलब धनवंतरी है, तो धनतेरस सब लोग बोलते हैं। और ज़्यादातर लोग वही सोचते हैं भाई कुछ सामान खरीदो, धन की जो इससे बचत होगी, धन की प्राप्ति होगी। ये लोग नहीं जानते कि धनतेरस का मतलब धनवंतरी त्रयोदशी है, धनवंतरी त्रयोदशी है। तो ये श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध में वर्णन आता है, क्षीर सागर के मंथन की कथा। ये 6वें मनवंतर में हुई थी, ये 7वां मनवंतर चल रहा है, ये 6वें मनवंतर में क्षीर सागर का मंथन हुआ था। तो क्षीर सागर के मंथन में अनेक रत्न उत्पन्न हुए थे और सबसे अंत में लक्ष्मी जी प्रकट हुई। तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो आश्विन पूर्णिमा की तिथि थी, आज से 13 दिन पहले लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। और लक्ष्मी जी की जो है उस समय पूजा हुई और लक्ष्मी जी का स्वयंवर हुआ। और लक्ष्मी जी ने जितने भी देवता थे, असुर थे, गंधर्व थे, यक्ष थे, सबके बीच में भगवान विष्णु का वर्णन कर लिया और वो बहुत विस्तार से इस घटना का वर्णन हुआ। उसके बाद मंथन हुआ समुद्र का, और मंथन होता रहा होता रहा होता रहा, कुछ नहीं निकला 13 दिन तक, कुछ नहीं निकला। आज के दिन 13 दिन के बाद आज के दिन जो है त्रयोदशी, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को जो है धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, अमृत का कलश हाथ में लिए हुए। तो वो जो है वर्णन इसमें आ रहा है। तो अथो दधेर मथ्यमानात, सुखदेव जी कहते हैं अथो दधेर मथ्यमानात, ये जो क्षीर सागर का जो मंथन था, क्षीर सागर का जो मंथन था तो वो होता रहा होता रहा। कश्यप अमृतार्ध भी, जो कश्यप के पुत्र थे, कश्यप की पत्नी अदिति से देवता हुए और दिति से दैत्य हुए। तो देवता और दैत्यों जो दोनों जो है मंथन कर रहे हैं समुद्र का। एक तरफ जो वासुकी सर्प है तो उसकी पूछ को पकड़े हुए हैं देवता लोग और उसके मुंह को पकड़े हुए असुर लोग, और मंथन करते रहे 13 दिन के बाद। काफ़ी परिश्रम हुआ 13 दिन के बाद। आज के दिन क्या हुआ, काश्यप अमृतार्थ भी, तो वो देवता और असुर दोनों ही अमृत पाना चाहते थे। तो अमृत प्राप्त करने के लिए करते रहे तो उद्तिष्ठन महाराज पुरुषा परमाद्भुतम, तो उसमें से प्रकट हुए, ने उठे, नीचे से ऊपर उठे। मंथन से क्या होता, नीचे की चीज़ ऊपर आती है ना, तो नीचे से समुद्र के नीचे से ऊपर उठे। तो कौन ऊपर उठे, पुरुषा परमाद्भुत, परम अद्भुत पुरुष, बहुत अद्भुत परम अद्भुत पुरुष हैं ऐसे जो है भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। दीर्घ पोवर पीवर दौड़ दंडा, जिनकी की भुजाएं बलिष्ठ हैं और लंबी हैं। किसी की भुजा लंबी होती है ताकत नहीं होती, भगवान की भुजाएं लंबी भी हैं और बहुत बलिष्ठ हैं। दीर्घ पीवर दौड़ दंडा कम उग्री वो, और गला क्या है, शंख के समान। ये जो है सुंदरता है गले की, शंख के समान गला। कम उग्री वो अरुणे क्षणा, और उनके जो नेत्र हैं वो लालिमा है। ये नेत्रों की सुंदरता है कि लालिमा होती नेत्रों में, श्यामलस और श्यामल रंग, श्यामल रंग है उनका, और तरुणा और बिल्कुल तरुण है, जवान है। स्रग्वी माला धारण किए हुए हैं, अपने गले में माला धारण किए हैं। देखिए समुद्र से ऐसे प्रकट हुए भगवान। सर्वाभरण भूषिता, और शरीर में सब आभूषण धारण किए है ना। पीत वासा, उनका जो है शरीर है उसमें पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं। महोरस कहा, और वक्षस्थल चौड़ा है ना। श्रुमिश्र मणि कुंडल, और कुंडल मणियों के बने हैं और मणियाँ भी बहुत चमक रही हैं। चमकीली मणियों के कुंडल धारण किए हुए स्निग्ध कुंचित के शांत, और उनके जो बाल हैं चिकने हैं और घुंघराले हैं। भगवान के जो बाल हैं बहुत चिकने हैं और घुंघराले हैं। शुभ का, और बड़े है सुंदर लक्षण हैं उनके, और सिंह विक्रमा, और पराक्रम सिंह के समान उनका है। अमृता पूर्ण कलशम, अमृत से भरा हुआ कलश है। बिभ्रत बलय भूषिता, तो अपने हाथों में अमृत का कलश लिए हुए हैं, और उन हाथों में जो है बहुत सुंदर वो हैं चूड़ियाँ हैं, क्या बोलते हैं उसको, बलय कंगन
है ना, तो हाथों में बड़े सुंदर जो है कंगन धारण किए हैं। सवे भगवता साक्षात विष्णु रंसांश संभवा, तो साक्षात भगवान विष्णु के अंश के अंश से वो उत्पन्न हुए हैं। धन्वंतरी इति ख्याता, और विख्यात हैं धन्वंतरी के नाम से। आयुर्वेद दृघ, और आयुर्वेद को जानने वाले हैं, और यज्ञ भाग, और यज्ञ में भाग पाने के अधिकारी हैं। जो यज्ञ में आहुतियाँ डाली जाती हैं उनके अधिकारी हैं जनाब। अब इसमें मध्वाचार्य की टीका है, मध्वाचार्य की टीका है कि तेषाम सत्याचालनार्थम हरिर्धन्वंतरि विभु समर्थोप्यसुराणाम तु स्वहस्तात् अमुचत सुधाम। तो मध्वाचार्य की टीका है कि ये जो भगवान धन्वंतरी जब कलश लेकर के प्रकट हुए क्षीर सागर से, तो उनकी जो है बड़ी गंभीर उनकी मुद्रा है। उस समय क्या कर रहे हैं वो, कि कुछ नहीं कर रहे हैं, अमृत कलश लिए हुए प्रकट हुए और कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि उनका कार्य था कि अमृत का बांटना, लेकिन वो नहीं बांट रहे हैं, नहीं बांट रहे हैं, क्योंकि उनकी एक चाल है ना, एक विशेष चाल है। असुरों को नहीं मिलना चाहिए, देवताओं को मिलना चाहिए, है ना। तो उसमें ये जो है शर्त हुई थी, या एक प्रकार से संधि हुई थी, है? या उन्होंने मतलब एक प्रकार से वचन ये दिया था कि भाई हम बराबर बराबर बांटेंगे, लेकिन भगवान की योजना ये है कि उनको ना मिले, देवताओं को मिले। तो पहले असुरों को अन्याय करने का मौका दिया, क्योंकि भगवान को अन्याय करना है, तो भगवान को अन्याय करना है तो भगवान को अन्याय का दोष लगेगा। तो पहले असुरों को अन्याय करने का मौका दिया कि तुम छीनो, तुम छीनो। इसलिए भगवान जो है धन्वंतरी भगवान जो है अमृत नहीं बांट रहे हैं, और इस तरह से खड़े हैं, कोई बातचीत नहीं, कोई ना कुछ पूछ रहे, ना कुछ बता रहे, खड़े हैं। तो उनको मौका दे रहे हैं कि तुम अन्याय करो, है ना। तो क्या किया है, तो तेषाम सत्याचालनार्थम, कि सत्य से पहले वही जो है मतलब हाँ असत्य का व्यवहार करें, तो उनका सत्य से उनको जो है मतलब गिराने के लिए हरिर धन्वंतरी विभु, भगवान हरि हैं, धन्वंतरी हैं, और समर्थ हैं, समर्थो अभी, और समर्थ हैं कि वो छीन नहीं सकते उनके हाथ से, उनके पास पूरी शक्ति है, वो कोई छीन नहीं सकता। समर्थो अभी, तो समर्थ होते हुए भी असुराणाम तो असुरों को जो है अपने हाथ से जो अमृत का कलश ले जाने दिया, ले जाने दिया कि ले जाओ, है ना। और इससे क्या, इस प्रकार क्या करो, तुम अन्याय करो पहले, उसके बाद फिर हम करेंगे, है ना। तो तुम पहले चाल चलो अपनी, फिर हम अपनी चाल चलेंगे। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य की टीका है। तमालोक के सुरा सर्वे कलशम चामृताभृतम। अब उनको जो है जब देखा है, देव असुरों ने देखा कि देख रहे हैं ये जो है कलश लिए हुए हैं, हैं, और अमृत से भरा हुआ कलश है। लिप्संता सर्व वस्तुएं कलशम तरसाहरत, तो उनकी तो हमेशा लोभ की प्रवृत्ति होती है, तो बलपूर्वक छीन लिया। तो धन्वंतरी भगवान से बलपूर्वक छीन लिया, और भगवान की यही योजना थी कि पहले तुम अपनी चाल चलो, तो इस तरह से छीन लिया। नियमाने सुरेश तस्मिन कलशे मृत भाजने, तो जिस समय असुर लोग जो है कलश को ले गए, अब देवताओं को तो पता नहीं, तो देवता लोग तो बड़े निराश हो गए हैं, और भगवान की तरफ देख रहे हैं कि अब हमारा तो अब हमारा पत्ता साफ हो गया। तो देवता लोग जो है बड़े निराश हो गए। प्रसन्न मनसो देवा हरिम शरणम आयो, तो भगवान हरि की शरण में आए। इति तद दैन्यम आलोक्य भगवान भृत्य काम कृत, तो भगवान ने देखा कि देवता लोग जो है बड़े दीन हो गए हैं, तो भगवान को तो दीन प्रिय होते हैं ना, तो बेचारे देवता लोग जो है अन्याय नहीं कर रहे हैं, और वो दीनता से भगवान की शरण ले रहे हैं। तो जब भगवान ने देखा कि उनको जो है अब बड़ी निराशा हो रही है, दीन हैं, तो भगवान भृत्य काम कृत, तो भगवान क्या करते हैं, अपने सेवकों का कार्य करने वाले हैं। माँ खिद्यत मिथोर्थम वा, भगवान ने कहा चिंता मत करो, भगवान देवता से कहते हैं चिंता मत करो। मिथोर्थम वा साधिश से सोमाया, तो मैं क्या करूँगा कि अपनी शक्ति से तुम्हें अमृत प्राप्त कराऊँगा, और इनमें झगड़ा करा दूँगा। अब उनमें इस प्रकार से झगड़ा कराया कि एक असुर जो है जो ज़्यादा बलवान उसे छीन के ले जाता है, और दूसरा जो उससे बलवान उसे छीन के जाता है, तो उसको इधर से अमृत कलश इधर ले जाता है, वो उधर से उधर ले जाता है, उधर से उधर ले जाता है। अमृत कलश जो है वो ऊपर ही ऊपर जो है हाथ में ऊपर ही ऊपर जो है चल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा
तो भगवान कहते हैं साधेश से सुमाया कलिर अभूत तेषाम तदर्थे तर्ष चेत साम। और अब आपस में उनमें झगड़ा पैदा हो गया। आज की घटना है, आज के दिन की घटना है। उनमें आपस में झगड़ा पैदा हो गया। अभी तो देवताओं से उन्होंने किया, अभी देवताओं को ना मिले। अब असुर लोग कहते हैं पहले मैं तो उनमें भी मतलब झगड़ा हो गया। तेषाम कलिर अभूत तेषाम तदर्थे तर्ष चेत साम, क्योंकि अमृत के लिए सब लालाए थे तो उनमें झगड़ा हो गया। अहम पूर्वम न तुम इति प्रभु, मैं पहले। और प्रभु कहते हैं अरे प्रभु पहले मैं, अहम पूर्वम प्रभु, अहम पूर्वम न तुम तुम नहीं प्रभु बोल रहे हैं लेकिन मैं पहले तुम नहीं इस प्रकार से कह रहे हैं। देवासुम भागम अरहंती, ये तुल्या आया से हेतवा। अब जिनको नहीं मिला, कमजोर थे, तो बोले यार देवताओं को तो मिलना चाहिए। अब असल लोग देवताओं के पक्ष में बोलने लगे, अरे देवताओं को भी मिल रहे, उन्होंने भी तो मेहनत की थी बराबर। सत्रिया गेवे तस्मिन इस धर्मास, यही सनातन धर्म है। अब जब उनको नहीं मिल रहा है तो सनातन धर्म की दुहाई देने की, सनातन धर्म तो ये उन देवताओं को भी मिलना चाहिए। असल यदि स्वान प्रतिषेधन वह देते या जाते मत्सर, अब आपस में ईर्ष्या ऐसी हो गई कि सब नहीं तुम नहीं ले सकते पहले देवताओं को दो। तो असुर लोग भी बोलने लगे, दुर्बला प्रबलान राजन गृहित कलशान भू, तो जो प्रबल असुर हैं वो तो कलश लेके इधर उधर जा रहे हैं, और जो कमजोर हैं वो फिर जो है बोल रहे हैं अरे सबको बांटना चाहिए। ये तस्मिन अंतरे विष्णु सर्वोपाय विदिशुरा, उसी बीच में जो है भगवान विष्णु जो है सब उपायों को जानने वाले हैं, वे सभी उपायों को जानने वाले हैं। योषित रूपम अनिर्देश्यम दधारम परमाद्भुतम, तो स्त्री का जो है रूप धारण कर लिया, हाँ परम अद्भुत स्त्री का रूप धारण कर लिया। प्रेक्षणीयोत्पल श्यामम सर्वावय सुंदरम, तो ये सब वर्णन आता है इसमें, तो अभी हम इसमें नहीं जाएंगे। लेकिन आज के दिन मोहिनी अवतार भी हुआ, तो धन्वंतरी अवतार हुआ, मोहिनी अवतार भी आज के दिन हुआ, और भगवान ने जो है फिर स्त्री के रूप में देवताओं को जो है बांटा। तो अभी तो मैं ये बताना चाहता था कि वो जो अमृत का कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, तो अमृत का कलश तो देवताओं में बट गया, असुरों को नहीं मिला, और फिर वो कलश जो है स्वर्ग लोक में चला गया। अब मनुष्य के लोग के लिए क्या, धन्वंतरी भगवान तो मनुष्यों पर भी तो कृपा कर रहे हैं, तो मनुष्यों के लिए फिर उन्होंने क्या किया कि जो लताएं औषधियां हैं तो उनको जो है वो उसका प्रयोग किया है, उसका प्रयोग किया मनुष्यों के लिए। तो वे धन्वंतरी भगवान फिर जो है आयुर्वेद का जो है प्रवर्तन करते हैं मनुष्यों के लिए। देवताओं के लिए तो अमृत चला गया, अब मनुष्य लोक में क्या होगा, तो इनको जो है जो लताएं औषधियां उनमें शक्ति का संचार किया, उनमें शक्ति का संचार किया। तो इसमें जो है ये बताया गया है गर्ग संहिता में कि ये जो भगवान धन्वंतरी जब इस भूतल पर अंतर्धान हुए, तो लताओं औषधियों को जो है उन्होंने शक्ति का संचार किया, और अलग अलग बीमारियों की जो है चिकित्सा के लिए उनको नियुक्त कर दिया। तो अपने आदेश से जो है लताओं औषधियों को उन्होंने सेवा कार्य में नियुक्त किया। तो ये सब जो है दासियां हैं, जितनी लताएं औषधियां हैं सब धन्वंतरी भगवान की दासियां हैं, और उनका दर्शन करके ये सब जो है लताएं औषधियां जो है अपना जीवन सार्थक मान रही हैं। अब भगवान जब भूतल में अंतर्धान हो गए, धन्वंतरी भगवान जब भूतल में अंतर्धान हुए, उस समय संपूर्ण औषधियां अत्यंत दुख में डूब गई, क्योंकि उन्होंने शक्ति प्रदान की ना, जो शक्ति चिकित्सा की शक्ति तो औषधियों को उन्होंने प्रदान की। तो अब ये औषधियाँ बहुत दुख में डूब गईं, और भारतवर्ष में अपने को निष्फल मानने लगीं कि हमारा जीवन तो अब बेकार हो गया, धन्वंतरी चले गए तो हमारा जीवन बेकार हो गया। अंतरहिते भगवती देवे धन्वंतरो भुवि औषध्यो दुःखमापन्ना निष्फला भारते भवन, फिर सबने सुंदर स्त्री वेश धारण किया। ये सब औषधियाँ जो है सुंदर स्त्री वेश धारण करके तपस्या आरम्भ की, उन्होंने तपस्या आरम्भ की, और चार युग बीत गए उनकी तपस्या में, चार युग बीत गए। सत्युग त्रेता द्वापर कली, कुल मिला के 43,20,000 साल होते हैं चारों युग मिला करके। इतना समय तक उन्होंने क्या किया, तपस्या की, स्त्री का रूप धारण करके तपस्या की। स्त्री रूप धारण किए, जैसे भगवान स्त्रियों पर ज़्यादा कृपा करते हैं, अबलाएँ होती हैं, तो धारण तपस्या। चार युग व्यतीत होने पर भगवान उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम सब लोग वर मांगो। भगवान प्रसन्न होकर के बोले, तुम सब लोग वर मांगो। तो धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए और बोले कि तुम लोग वर मांगो। सिद्ध्यर्थम तास्तपस्तेषु स्त्रियो भूत्वा मनोहरा
चतुर्योगे व्यतीत है तो प्रसन्नो भूधरि परम। तो भगवान ने कहा तुम सब वर मांगो। ये सुनकर स्त्रियों ने उस महान वन में जब आंखें खोली, आंखें बंद करके तपस्या कर रही थी और भगवान प्रकट हो गए तो सामने से बोले, आंखें खोली तो दर्शन किया तो मोहित हो गई हैं कि मतलब हमारे पति बनो। तो उनको कहा मोहित हो गई, आप हमारे पति होने की कृपा करें। वरम वृणीत चेत्युक्तम श्रुत्वा नार्यो महावने तम दृष्ट्वा मोहमापन्ना उचुर भर्ता भवात्रिनः। भगवान श्री हरि बोले, औषधि स्वरूपा स्त्रियों द्वापर के अंत में तुम सभी लता रूप से वृंदावन में रहोगी। तुम लताओं के रूप में जन्म लो वृंदावन में और वहाँ रास में तुम्हारा मनोरथ पूरा करूँगा, है ना। वृंदावने द्वापरांते लता भूत्वा मनोहरा भविष्यति स्त्रियो रासे करिष्यामि वचस्यवः। तो वे बड़भागिनी स्त्रियाँ वृंदावन में लता गोपियाँ बनी। तो गोपियों के 100 युद्ध थे वृंदावन में, गोपियों के 100 युद्ध थे। तो कुछ गोपियाँ थीं कौशलपुरवासिनी स्त्रियाँ, वो गोपियाँ बनी और वामन देव के संपर्क में आई सुतल लोकवासिनी स्त्रियाँ, वो भी गोपियाँ बनी। और पुलिंद कन्या गोपियाँ, भगवान जब राम का वनवास हुआ तो पुलिंद कन्याएँ भगवान को पति बनाना चाहती थी, तो पुलिंद कन्या गोपियाँ हैं। इस प्रकार से 100 युवत हैं, उनमें से एक क्या है लता गोपियों का भी युवत है जो धन्वंतरी भगवान से वो जुड़ी हुई थी। तो वे धन्वंतरी भगवान जो है जब उनको वर देते हैं तो ये जो लता रूपी गोपियाँ हैं तो ये जो है फिर जब भगवान मथुरा चले गए हाँ मैं देख रहा था मथुरा खंड में, जब भगवान मथुरा चले गए तो उस समय ये सब गोपियों के 100 युवत विरह में व्याकुल थीं, ये सभी विरह में व्याकुल थीं। तो उस समय जब भगवान ने उद्धव जी को भेजा अपना संदेश, भगवान ने जब उद्धव जी को भेजा अपना संदेश तो सब गोपियों को उद्धव जी ने संदेश दिया भगवान का। और फिर उद्धव जी कहते अपना अपना संदेश दो, अब हम मथुरा में भगवान को बताएंगे, अपना अपना संदेश दो। तो सब प्रकार की जो गोपियाँ हैं, पुलिंद कन्या गोपियों ने अपना संदेश दिया, सुतलवासिनी गोपियों ने संदेश दिया, जालंधरपुरवासिनी गोपियों ने और भूमि गोपियों ने और बरहेस्मती पुरी वासिनी गोपियों ने संदेश दिया, अब लता गोपियों ने भी संदेश दिया। ये लता गोपियाँ जो धन्वंतरी भगवान समझती थीं, तो कृष्ण के प्रति धन्वंतरी भाव था उनका, तो धन्वंतरी के लिए जो है उन्होंने संदेश दिया। अब क्या संदेश दिया, क्योंकि वो थोड़ा वो निंदा मतलब कर रही हैं ना, भगवान की निंदा कर रही हैं, तो निंदा के भाव में बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं, स्वयं सुधाम ना विभज्य पूर्वम धन्वंतरी विश्वभिंग सन् महात्मा तद्बद्ध वैरेशु सुरासुरेशु भूतवाथ यो सिंह प्रदो कली प्रिया। धन्वंतरी भगवान का जो है वो क्या कर रहे हैं, कुछ निंदा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो है कलह कराने वाले हैं, ये कलह कराने वाले हैं। इसलिए स्वयं सुधाम न विभज, स्वयं जो है अमृत नहीं बांटा, खुद नहीं बांटा अमृत क्योंकि झगड़ा कराना चाहते थे वो तो भगवान की नीति है, लेकिन वो जो है उनका इस प्रकार से निंदा के भाव में कर रही हैं। तो स्वयं सुधाम न विभज पूर्वम, पहले से ही अमृत बांटा नहीं। धन्वंतरे विश्व भीषण, संपूर्ण विश्व के जो है ये वैद्य हैं और महात्मा हैं, लेकिन अमृत नहीं बांटा। तद्बद्ध वैरेश सुर, तो जो असुर और सुर जो देवता और असुर थे उनमें तो बैर बंधा हुआ था, हैं, तो जब उनमें जब झगड़ा हो गया तो भूतवा तो योषित, तो स्त्री रूप में बन करके फिर जो है देवताओं को अमृत दे दिया, क्योंकि आपको झगड़ा पसंद है, झगड़ा पसंद है तो भगवान चूँकि उनको छोड़ के चले गए
तो भगवान की वो जो है निंदा करें, प्रेम से, प्रेम में निंदा होती ना, तो प्रेम में ही निंदा करें तो प्रेम करके कि झगड़ा कर कहलाते हैं। और हमको भी तो विरह प्रदान किया है, हमको भी छोड़ के चले गए, तो इनके ऐसे ही गुण हैं। किस प्रकार से जो है वे उनकी जो है संदेश देती हैं इस प्रकार से कि आप जो है कली प्रिय हैं, कलह प्रिय हैं आप, है ना। तो फिर मोहनी रूप धारण करके देवताओं को केवल जो है पिलाया और असुरों को नहीं पिलाया। तो भगवान का तो गुण है ना, लेकिन अगर भक्त लोग उनकी निंदा करते हैं तो वो भी भगवान को प्रिय लगता है, क्योंकि गोपियां जो है भगवान की निंदा करती हैं तो वो भगवान को वो वेदों की स्तुति से भी ज़्यादा आनंद आता है। वेदों की स्तुतियां तो हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, लेकिन जब ये गोपियां जो भगवान की निंदा करती हैं तो भगवान को वेदों की स्तुतियों का जो आनंद भूल जाता है, इसमें बहुत आनंद आता है कि वो जो है निंदा करती है भगवान की। तो ये जो है प्रेम का इस प्रकार का व्यवहार है। तो आज धन्वंतरी भगवान का आविर्भाव दिवस है, तो हम सब लोग जो है प्रार्थना करें कि कृष्ण की भक्ति करने में, कृष्ण की सेवा करने में हमारा जो शरीर है वो पुष्ट रहे और स्वस्थ रहे और सब प्रकार की रक्षा हो। श्री धन्वंतरी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्णा। प्रसाद की आपका हाथ आता रहा, फोटो भी खींच दिया।